प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंध दौरे के बाद राजस्थान भाजपा में कई अहम फैसले होंगे, क्योंकि पीएम के राजस्थान दौरे के बाद पार्टी अग्रेसिव मोड में आएगी। इस पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव के मद्देनजर कुछ चीजें तय हो गई है, सिर्फ ऐलान बाकी है। सबसे बड़ा फैसला पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को लेकर होना है कि चुनाव में उनकी भूमिका क्या होगी। दरअसल सत्ता से बाहर होने के बाद पिछले 4 सालों में वसुंधरा पार्टी में सक्रिय रूप से दिखाई नहीं दी है। हालांकि वह अपने हिसाब से व्यक्तिगत दौरे और धार्मिक दौरों के नाम पर सभाएं करती रही हैं। इस बीच पार्टी मुख्यालय में तस्वीर बदलने से मैसेज गया है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वसुंधरा को इग्नोर नहीं कर रहे। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि फैसला लिया जा सकता है कि चुनाव से पहले टिकटों में भूमिका को निश्चित किया जाए। इस बात को इसलिए मजबूती मिल रही है क्योंकि राज्य के अलावा पूरे राजस्थान भाजपा में कोई दूसरा प्रभावी चेहरा नहीं है जो पूरे प्रदेश में राजनीतिक दखल रखता हो। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संगठन महामंत्री पद कोई नया चेहरा आ सकता है। चुनाव से पहले जिलों की फील्डिंग मजबूत करने की कवायद में पार्टी की ओर से फरवरी में कुछ जिलों में नए जिला अध्यक्ष घोषित किए जा सकते हैं। लंबे समय तक सर्वे और ग्राउंड वर्क करने के बाद भाजपा ने 8 जिलों में नए जिला अध्यक्ष हाल ही में घोषित किए हैं। तभी से इस बात की चर्चा है कि 5-6 जिलों में मौजूदा जिला अध्यक्षों को बदलकर नए जिला अध्यक्ष और बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा चुनावी रणनीति और सत्ता में वापसी के लिए केंद्र की ओर से जल्द ही चुनाव प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। यही नहीं, कुछ जिलों में जिला अध्यक्ष घोषित किए जा सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व में जो भी फैसला होगा वो लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। ऐसे में लक्ष्य के बीच में आने वाली तमाम बाधाओं, मसलन गुटबाजी, खींचतान और नेताओं की निष्क्रियता जैसी तमाम अड़चनों को पार्टी दूर करने में जुटी हुई है। यही कारण है कि पार्टी ने लोकसभा की कमजोर सीटों का अभी से आकलन कर उन पर ग्राउंड वर्क करना शुरू कर दिया है। राजस्थान में नागौर और दौसा सीट को इसी श्रेणी में रखा गया है। पंजाब केसरी से रौनक पारिक की रिपोर्ट।